हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो है इंडीजीज़ के बारे में। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई थी, यहाँ पर ये वाली वीडियो देखेंगे आप कि अर्न $100। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं गेम खेल के, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट करे। अगर उसी की आगे की वीडियो रहेगी, और जिसने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी कि आप गेम खेल के कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी आपकी एक रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। एक प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए इन्वेस्ट करेगा और आपसे सिर्फ 30% चार्ज करेगा, 70% वो आपको देगा जो भी आपकी कमाई होगी। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उसका नेक्स्ट स्टेप, जो कि मैंने बोला था बैज मिंट करके आपको दिखाऊंगा, वो मैं इसमें सीधा आपको दिखाता हूं और किस तरीके से करना है। उसके बाद एक दो स्टेप इंपॉर्टेंट और हैं जो आपको पूरी वीडियो देखने पर समझ आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गेम प्ले करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सीधा चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे इंडीजीजी, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर देखो तीन चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा मिंट बैच का। आपको सिंपली मिंट बैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कनेक्ट वॉलेट में मेटामास्क को कनेक्ट करें, और सीक्वेंस वॉलेट है, एक और वॉलेट है, तो इसकी जगह आप रिकमेंडेड है कि आप मेटामास्क को कनेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगी और इसको आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है जी। तो आपका जो है सबसे पहले नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट टू पॉलीगन नेटवर्क। और अगर आपने पॉलीगन नेटवर्क को नहीं कर रखा सिलेक्ट, तो आप पॉलीगन पे पहले कर लेना। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि पॉलीगन पे सिलेक्ट करो, तो मैं पॉलीगन मेन नेट पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आए तो प्लीज़ कर लेना, ये बिल्कुल रैंडमली आपके लिए बना रहा हूँ। ताकि ये देखो वॉलेट कनेक्टेड ऑन पॉलीगन नेटवर्क, ये बिल्कुल हो गया, यहाँ पर आपको दिख जाएगा यस यू आर कनेक्टेड। और अब आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अपना बैज मिंट करना है। अब बैज मिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे दो तीन एक्सेस आपको देने पड़ेंगे, एक्सेस यूज़र नेम अवतार ये सब आपको दे देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप करेंगे इसको ऑथराइज़। जब आप ऑथराइज़ करेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो बस आपको ऑथराइज़ कर देना है इस तरीके से। अभी इस टाइम पे शायद आपको कुछ एरर भी दिख जाएगा ऐसा, तो आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लेना। यहाँ पे वेरीफाई दोबारा हम करके देखेंगे, तब शायद उसमें आपको दिखा कि बहुत ज़्यादा, मतलब इनके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है शायद, इस वजह से ये अभी हमारा मिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ऑथराइज़ पे क्लिक करना है। अब हम देखेंगे शायद इस बार हो जाए। We are getting way too much love currently. Please try verifying again in a while. तो आपको थोड़ा सा देर वेट करना है अगर ऐसा भी एरर आपके पास आ रहा है, और फिर हम दोबारा मिंट करके आपको दिखाएंगे। और अगर आपको ये एरर जो मुझे आया है, अगर ऐसा ही एरर आएगा तो दो तीन बार ट्राई करना है, फिर 5 मिनट वेट करने के बाद ट्राई करना। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका बैज मिंट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। इंडीजीजी बैज मिंटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कंफर्म कैसे करना है कि बैज मिंट हो चुका है या नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दो तरीके से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहला तरीका जो होगा वो होगा ओपन सी पे जाके आप कर सकते हो। ओपन सी पे आपको अपना वॉलेट, जिस वॉलेट से बैज मिंट करा है वो वॉलेट कनेक्ट कर लेना। अगर नहीं आता आपको कनेक्ट करना तो मैं दिखा देता हूँ, पहले लॉग आउट मार देता हूँ। वैसे तो मेरा यहाँ पर आ जाओगे आप, ये ओपन सी की वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन पर जाना है और मेटामास्क, जैसा कि आपको मैंने बताया था, मेटामास्क को आपको कनेक्ट कर लेना है। अब मेटामास्क में आके आपके पास वो NFT आ गई हुई, इसका मतलब आपको चेक करना है कि NFT आई है। प्रोफाइल वाले पेज पे जाएंगे, अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और वो जो बैज मिंट हुआ है वो दिखेगा आपको हिडन सेक्शन में आके। यहाँ पर मोर पे जाना है, मोर में ये तीन चार ऑप्शन होंगे, इसमें आ जाना है आपको हिडन पे। अब हिडन पे जब आपको यहाँ पर देख रहे हो, ये मेरा बैज मिंट हो चुका है सक्सेसफुली, ये बिल्कुल मतलब क्लियरली यहाँ पर है। इसके बाद आपको आना है इनके डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्कॉर्ड पे आना है और आपको अपना जो बैज है वो वेरीफाई कराना है। अब यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आपको किस पे जाना है, वेरीफाई योर बैज पे। जब वेरीफाई योर बैज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा कोलैब लैंड और यहाँ पर लेट्स गो दिख रहा है ना, लेट्स गो, तो हमको बस लेट्स गो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ जाएगा, उस पर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और आपको वॉलेट में कनेक्ट करना है। और ये सीधा मतलब इस तरीके से यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे भी ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वाली वेबसाइट खुलेगी, इसको आपको खुलने देना है, वेट करना है थोड़ा सा। ये देखो इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको मेटामास्क अपना कनेक्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। साइन कर देना है इसको ट्रांजेक्शन को, क्योंकि यहाँ से आपका वॉलेट भी वेरीफाई होगा।
और ये वाला प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है एज सून एज पॉसिबल. वॉलेट कनेक्टेड, प्लीज़ चेक द कोलैबलैंड ज्वाइन चैनल इन सर्वर्ड इन डीजीजी, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा. क्लोज दिस विंडो एंड रिटर्न टू डिस्कॉर्ड, ये आप यहाँ पर आके कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको कर देना है और यहाँ पर आपको आके यहाँ पर दिख जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और करना है वेरीफाई करने के लिए. ये वाला काम आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो अभी आपका बैच जो है मिंट होके आपके पास आ जाएगा. ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे जनरल वाले सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ सब लोग बात करते हैं. अब यहाँ पर आपको देखोगे कि ये जितने भी लोग हैं उसके आगे ये मिंट इंडीजीजी बैच होल्डर आ रहा है, किसी के आगे नहीं आ रहा. अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो बैच मिंट हुआ है वो आया भी है, तो मैं यहाँ पर सबको हे एवरीवन लिख देता हूँ. ठीक है, ये जनरल चैट है इंडीजीजी की, हे एवरीवन. अभी देखो मेरे नाम के आगे बैज होल्डर आ गया, इसका मतलब मेरा जो बैज वाला जितना काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, बैज होल्डर बन चुका हूँ मैं, मेरे पास मिंट करके बैज आ चुका है. और बैज मिंट करने के बाद आपको क्या करना है, गेम प्ले में पार्टिसिपेट करना है और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है. नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर इस प्रोसेस में कोई भी आपको समस्या आती है या कोई और भी आपका सवाल है, कमेंट करके पूछिए. मैं बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड रहता हूँ आपके सवाल सुनने में और आपके आंसर करने में. और नेक्स्ट जो आप वीडियोस आएंगी वो गेम प्ले से रिलेटेड या और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जो इंडीजीजी के बारे में और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, उसके ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं. और बस लास्ट तक जाते जाते यही बोलूँगा कि कोई समस्या आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कमेंट करके पूछना है. आप इनके डिस्कॉर्ड पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं जनरल चैट में जहाँ पर मैंने आपको दिखाया. मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, उनको यूज़ कीजिए और अपना फटाफट से बैज मिंट कीजिए. और मिंट करने के बाद नीचे कमेंट में भी लिख के बताना कि यस मैंने मिंट कर दिया. मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.